तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युवा कबड्डी सीरीज खेली जा रही है इसका भाई जो मानसून एडिशन का जो सीजन खेला जा रहा है इसका भाई आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 31वां मैच जो कि खेला जाएगा सिंध सोनिक्स वर्सेज मुरथल मैग्नेट्स के बीच में। तो पहले बात करते भाई दोनों टीम्स की, लेकिन उससे पहले भाई एक चीज़ बता दूं, कल के मैच हमारे लिए बेहतरीन गए, परसों के मैच हमारे लिए बेहतरीन गए, और इससे मतलब पूरी जो युवा कबड्डी सीरीज है एक तरफा विनिंग हमारी चल रही है। वहीं अगर भाई बात करें यहाँ पर क्रिकेट की, तो क्रिकेट में भी आपको भाई जैकपॉट पे जैकपॉट आपके लगवा रहा है। रिजल्ट आप लोग भाई यहाँ पर देख सकते हो, पहले रिजल्ट देखना उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो बेहतरीन से भी ऊपर वाले रिजल्ट आपको भाई आपको प्रोवाइड करवा रहा है। इससे ज्यादा भाई और आपको क्या ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई ये काम सबसे बेस्ट है, इससे ज्यादा और मेरे हिसाब से किसी चीज की आपको ना तो मतलब जरूरत होनी चाहिए और ना ही कुछ और, क्योंकि जो चीज आपको मतलब कोई भी मतलब नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा ना, वो आपका भाई आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देगा। और इस मैच की भी भाई फाइनल टीम तो है ना टेलीग्राम पर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए फाइनल टीम तभी बन पाएगी जब दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन, सब्स्टिट्यूशन लिस्ट, सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, और वो आएंगे भाई मतलब मैच से कुछ टाइम ही पहले, तो उस टाइम भाई वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ और अभी भी भाई बहुत कम टाइम बचा है मैच स्टार्ट होने में, आप यहाँ पर देख सकते हो 2 घंटे 12 मिनट बचे सिर्फ, और यहाँ पर मैं अभी वीडियो बनाने लग रहा हूँ तो आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 या 20 मिनट ही बचेंगे। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो को एक तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा, और दूसरी बात भाई वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो स्मॉल लीग के लिए तो आपके लिए रहेगी, लेकिन भाई ग्रैंड लीग के लिए आप और भी बेहतरीन यहाँ पर विनिंग कर सकते हो। अब अगर भाई यहाँ पर बात करें पहले दोनों टीम्स में से कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, कौन सी टीम की जीतने के ज्यादा चांसेस है, तो नो डाउट भाई यहाँ पर क्लियर फेवरेट हमारी टीम रहेगी, मतलब नो डाउट क्लियर टीम यहाँ पर भाई जो फेवरेट रहेगी वो रहेगी भाई मुरथल मैग्नेट्स। 95% चांस आप मान के चल सकते हो कि मुरथल मैग्नेट्स की टीम इस मैच को इजिली विन करेगी। अगर भाई मान लो ये कुछ अपने बड़े प्लेयर्स को रेस्ट ही दे देती है तो फिर भाई हो सकता है मुकाबला थोड़ा सा टक्कर का हो जाए, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भाई यहाँ पर सिंध सोनिक्स की टीम से कहीं ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स की टीम, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। इसके अलावा भाई यहाँ पर एक जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले दोनों टीम की स्टार्टिंग सेवन की बात करेंगे, सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, इतनी अच्छी विनिंग करवाने के बाद मैं लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा भाई और आपको क्या ही चाहिए। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब अगर भाई यहां पर बात करें दोनों टीम्स की कि स्टार्टिंग सेवन क्या रहेगी, तो सबसे पहले भाई यहाँ पर सिंध सोनिक्स की बात कर लेते हैं, तो इनका भाई यहां पर बात करें तो ये उतरते भाई चार यहाँ से लेके उतरेंगे डिफेंडर, इसके अलावा दो भाई इनके पास रहेंगे ऑलराउंडर और एक रहेगा रेडर, ठीक है, या फिर भाई तीन डिफेंडर और दो ऑलराउंडर और दो रेडर, ये मोस्टली हर मैच में भाई इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इनके प्लेयर कैसे रहेंगे और कौन कौन से यहाँ पर आपके लिए रहने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ से बात करेंगे डिफेंस की, तो डिफेंस में भाई आपको एस कुमार, यू पार्थे और यहाँ से भाई हरेंद्र कुमार प्रसाद, ये भाई तीन प्लेयर तो आपको 100% खेलते दिखेंगे, इसके अलावा एक कुमार आपको खेलता दिख सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो भाई यहाँ से ये दोनों ऑलराउंडर आपको खेलते दिखेंगे, यहाँ पर भाई विशाल पटियाल और यहाँ से भाई जो बलराज सिंह है, दोनों भाई बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अभी दे भी रहे हैं, तो दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ से रेडिंग सेक्शन की, तो यहाँ से भाई आपको खेलता दिखेगा एस मिश्रा तो कंफर्म है, इसके अलावा भाई यहाँ पर आर कुमार गोप को भी ट्राई कर रखा, टीम ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया बट फिर भी शायद हो सकता है यही खेलता दिख जाए, या फिर पी कुमार रॉय आपको खेलता दिख जाए, तो ये इनमें से कोई भी आपको खेलता दिख सकता है। अब अगर भाई बात करें यहाँ पर सामने वाली टीम की, जो कि भाई मतलब बहुत गजब और बहुत खतरनाक टीम लग रही है, तो यहाँ पर अगर भाई बात करें सबसे पहले जो डिफेंस है, तो ये डिफेंस
डिफेंस में भाई आपको ऐसे जैबी रिनामिया एक बेहतरीन मतलब आप मान सकते हो कि टैलेंट है, और बहुत जल्दी है भाई मतलब ये जो युवा कबड्डी सीरीज करवाने का यही मतलब है कि जैसे पीकेएल होता है तो भाई वहाँ पर जो पीकेएल का जैसे अभी सीजन 9 स्टार्ट होगा तो भाई उसमें या फिर पीकेएल का सीजन 10 में इन प्लेयर्स को मौका मिला मिले और इन प्लेयर्स को भी भाई यहाँ पर बड़े लेवल पर आने का मौका मिले, और जो परफॉर्मेंस यहाँ पर ये दे रहे हैं ना इसी के बेस पर भाई इनका मतलब यहाँ पर इनके ऊपर जैसे बैट लगेगी और उसके बाद भाई ये जो भी टीम इन्हें लेगी उसके बाद उसी टीम में आपको खेलते नजर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पर भाई बात करें, देखिए मैं यार मुद्दे से भटक जाता हूँ, तो पहले भाई स्टार्टिंग सेवन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए भाई एक बार मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग सेवन क्या रहेगी यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स की। उसके बाद भाई मैं अभी आपको एक डेमो टीम भी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन उससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई मैं आपको क्लियरली बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी ना वो भाई टेलीग्राम पर रहेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जे वीरेंद्र डोलो और एस जेबी रिनामिया दोनों आपको खेलते दिखने चाहिए और दोनों बहुत ही शानदार प्लेयर है। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आपको संजय खेलता दिखेगा, तो तीन प्लेयर भाई आपके यहाँ से हो गए। इसके अलावा भाई अगर यहाँ पर चले रेडिंग सेक्शन में तो यहाँ पर देखिए ए कुमार, आकाश और यू पवार, तीन प्लेयर आपके लिए यहाँ से हो गए। और इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है भाई इन तीनों के अलावा यहाँ पर एस संजय भी आपको खेलते दिखे, बट इन तीनों के अलावा या तो आपको देखो तीन प्लेयर में हमने यहाँ से सेलेक्ट मतलब मैंने आपको बताया यहाँ से रेडिंग सेक्शन से दो प्लेयर यहाँ से हो गए, ठीक है सॉरी दो प्लेयर नहीं सिर्फ एक प्लेयर, तो तीन और एक चार, और भाई तीन प्लेयर यहाँ से होने चाहिए। तो तीन प्लेयर की बात करें तो उसमें तो भाई सचिन खेलता नज़र आएगा ही आएगा फिर, और इसके अलावा जय वीरेंद्र डोलो और एस जयपुर इनामिया। और यहाँ से अगर बात करें भाई अब डेमो टीम की तो वो मैं भी आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए भाई अब यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले डिफेंस की, तो डिफेंस में भाई एस जेबीर इनामिया मस्ट हैव पिक रहेगा, इवन सीवीसी का भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। वहीं अगर भाई यहाँ पर बात करें इनके अलावा अगर बात करें यहाँ पर भाई जे वीरेंद्र डुल बहुत ही शानदार प्लेयर है, और लास्ट के एक दो मैचेस से थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बाकी भाई स्टार्टिंग से भी ठीक ही कर रहा था लेकिन लास्ट के एक दो मैचेस से थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर रहा है। वहीं अगर बात करें भाई सामने वाली टीम की तो इनकी तरफ से भाई हरेंद्र कुमार प्रसाद एक ऐसा प्लेयर लग रहा है जो हाँ कुछ कर सकता है, तो इसीलिए अभी के लिए भाई ये मेरी टीम में रहेगा। वहीं अगर बात करें भाई ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहाँ से देखिए बलराज सिंह का स्टार्टिंग में सिलेक्शन देखिए भाई सिर्फ 15% से स्टार्ट हुआ था मैच खेलने, जब मैच खेलने लगा था तब 15% सिलेक्शन के साथ स्टार्ट हुआ था, और अभी आप देखिए भाई बंदे ने मतलब लगातार परफॉर्मेंस दिए तब जाके 95% सिलेक्शन आया बंदे का। ठीक है, ये लगातार परफॉर्मेंस देने पर होता है, और भाई यहाँ पर भी मेरी टीम में बलराज सिंह 100% रहेगा। यहाँ से अगर बात कर यहाँ से अगर बात करें तो भाई आपकी टीम में बलराज के साथ साथ संजय भी आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी को ट्राई करना है, इन देखिए हम दो ही ऑलराउंडर ले सकते थे, इन दोनों में से किसी एक को अगर आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सको तो भाई फिर आप विशाल पटियाल के साथ जा सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जैसे मुरथल मैग्नेट्स की टीम थोड़ी सी अभी कंफर्टेबल पोजिशन में है तो हो सकता है कि वो भाई इतना मतलब रिस्क ना ले और अपने प्लेयर्स के ऊपर और भाई अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट भी दे दे, तो उस कंडीशन में भाई आप यहाँ पर दोनों ऑलराउंडर लेकर चल सकते हो, सिंध सोनिक्स के बलराज सिंह और विशाल पाटियाल। इसके अलावा रेडिंग सेक्शन की बात करेंगे तो रेडिंग सेक्शन में आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यू पवार, और इसके अलावा भाई जो आकाश है इन दोनों को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, दोनों मस्ट पिक रहेंगे और सीवीसी के अच्छे दावेदार रहेंगे। यहाँ से अगर बात करें तो मुरथल मैग्नेट्स की तरफ से एक डिफेंडर और था यार, हाँ ये राजे वीरेंद्र डूल बहुत ही बेहतरीन पिक है, तो हमारा सेवंथ प्लेयर भाई ये रहेगा। और अब अगर भाई बात करें डेमो टीम के सीवीसी के तो सीवीसी में अभी आपको बना के दिखा देता हूँ, बाकी देखिए जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी वो भाई सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर डिस्कस होगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अभी अगर बात करें भाई सीवीसी की तो देखिए लगातार आपको भाई कैप्टन बनाता है यू पवार को लगातार, ठीक है, और इस मैच में भी मैं कैप्टन इसी को दूंगा, क्योंकि जब बंदे का सलेक्शन नहीं था मैं तब इसको बैक कर रहा
था, तो अब तो बंदा अपने पैक मतलब इस सीजन के पीक फॉर्म पर चल रहा है, तो अब तो भाई मेरे को मतलब इन्हें सीवीसी देना चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा भाई कैप्टनसी मैंने इनको दे दिया। वीसी की बात करेंगे तो वीसी की बात करें तो भाई देखिए यहाँ पर अगर लॉजिकल तरीके से देखोगे ना तो भाई सबसे बेहतरीन वीसी रहेगा बलराज। बाकी अगर आपको मतलब थोड़ा सा अगर आप लॉजिकल तरीके से देखोगे तो बलराज रहेगा, लेकिन भाई अगर आप परफॉर्मेंस पर देखोगे ना तो फिर भाई यहाँ पर संजय और आकाश इन दोनों में से भी किसी को आप सीबीसी बना सकते हो। और ऊपर से भाई एस जयवीर इनामिया, इन्होंने मतलब आप एक बात तो इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है, गलती तो इनकी भी नहीं है, सीबीसी तो इन्हें भी बनना चाहिए, तो वही पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पर देखिए जो मैं जो बलराज सिंह को वीसी बना रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ से भाई पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बलराज सिंह को मैंने वीसी दिया क्यों है। भाई देखिए एक तो बंदा पूरे दबाव में खेलेगा, क्योंकि भाई सामने वाली टीम में सिर्फ ये दो ही प्लेयर ऐसे जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये दबाव में खेलेगा तो ऐसे रेडिंग में भी पॉइंट निकाल सकता है, प्लस भाई डिफेंस भी करके यही देगा आपको इसके साथ, तो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बाकी जो यहाँ से प्लेयर जैसे यहाँ पर संजय हो गया, तो संजय भाई प्योर रेडिंग करेगा, रेडिंग नहीं भाई सॉरी डिफेंस करेगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर भाई आकाश और यू पवार की, तो ये दोनों भाई प्योर रेडिंग करते हैं। तो फिर मतलब आप एक बात बताओ कि एक तो कोई सिंगल मतलब चीज़ के साथ हमारे पास आए प्लेयर, और एक भाई किसी के पास वेरिएशन हो तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सिंगल वाला। तो यहाँ पर भाई बलराज सिंह डिफेंस प्लस रेडिंग दोनों करेगा, इसीलिए मैंने इसको वीसी दिया। फाइनल टीम में हो सकता है भाई मैं ऐसे वीसी चेंज भी कर दूँ, अभी के लिए आप इस टीम को सेव करके रखिएगा। बाकी जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो हम टेलीग्राम पर डिस्कस कर लेंगे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।